कंज्यूमर बिल बनाने पर कर्मचारियों को किया निलंबित। आक्रोशित कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर किया विरोध। यूपी के रामपुर में विद्युत विभाग के अधीक्षक अभियंता ने बिना नोटिस बिना कोई सूचना के अनुचित प्रकार से कर्मचारियों को निलंबित कर दिया, जिससे आक्रोशित कर्मचारी विद्युत विभाग के अधीक्षक अभियंता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे और दर्जनों कर्मचारियों ने अपना कार्य बहिष्कार नारेबाजी कर विरोध जाहिर कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि गुरदेव खां के खिलाफ जो निलंबित की कार्यवाही की गई है विभाग से उसे वापस ले, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाए। दरअसल रामपुर में विद्युत विभाग में कार्यरत कार्यालय सहायक गुरदेव खां को अधीक्षक अभियंता द्वारा निलंबित कर दिया गया था, जिसमें आज समस्त विद्युत विभाग के कर्मचारी एकत्र होकर कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन करने लगे और विद्युत विभाग के अधीक्षक अभियंता को चेतावनी दे रहे हैं कि आकर निलंबन की कार्यवाही वापस नहीं की गई तो सड़कों पर विरोध होगा और कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। गुरदेव खां पर निलंबित की ये कार्यवाही अनुचित प्रकार से की गई है, जिसके कारण समस्त कर्मचारियों में रोष है। ये आपने जो अनशन किया है किस वजह से किया है? भाई बिना किसी नोटिस के, बिना कुछ कारण बताए हुए और तानाशाही में एक रात ही रात में सस्पेंशन लेटर आ गया। सस्पेंशन लेटर चीफ साहब आते हैं, वो बुला कर दे देते हैं, एसी साहब आते हैं, साइन करके दे देते हैं, पता नहीं चल पा रहा आखिर कसूर क्या किया। बाद में दो एक दिन बाद पता चला कसूर, बाद में ये पता चला कि हमने किसी कंज्यूमर का बिल बना दिया। अरे भाई ये तो हमारी ड्यूटी है, बना भी तो क्या हुआ। बस इसी के विरोध में समझे मेरे सारे साथी, मेरा सारे स्टाफ, मेरे दोस्त यार, मेरे सारे के सारे लोग मेरे साथ में आकर बैठ गए हैं और ये जो नाजायज तरीके से वर्क हुआ है मेरे साथ में उसको जो है उसका विरोध सब कर रहे हैं और जो काम गलत हुआ है